जी तलवार लेंदे हमला मरा पतो गद्दा कर वो तो हमारा डंडा हाथ में नहीं आ रहा जी तुम्हारा और जी लेकिन हमारे साथ अन्याय हुआ हमें न्याय चाहिए बेटा मार के घेर दिया बड़ा बेटा किसे नहीं संभाला बस दो जाटा है। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज और इस समय हम फरमाना गांव के अंदर मौजूद है। इस परिवार के सदस्य के ऊपर जो है गांव के ही किसी व्यक्ति ने जो है तलवारों से हमला किया है। पूरा का पूरा मामला क्या है इस भाई से जानकारी लेंगे, कब की घटना है ये परसों की है भाई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र है जी। और जिसने हमला किया है उसका क्या नाम? उसका नाम है टीनू जी, सतबीर का लड़का जी। आपके ही समाज से है? नहीं जी, वो जमींदार है जी, जाट है जी। अच्छा जी, क्या मामला था? मामला आटा का था जी, 35 किलो आटा मिला था, वो इसका पेशवान खातर दिया था। टीनू सत्यवीर मास्टर का लड़का है जी। हाँ। उसका गए थे जी, उसकी मारत दो बार कर करके थोड़ा थोड़ा आटा दे दिया। मैं पूछने लगा चाचा और आटा कित गया, बोला डांगरा गिर दिया मन तो। अच्छा। मैं चाचा ऐसा क्यों कर, मां मेरी बेबी और आ रही हूँ के खाऊंगी, बोले मैं खुआऊंगा आटा तेरी बेबी और ने भी तन्ने भी। इतनी बार मैं भी बोलिया जी क्या धक्का इनू के ऊपर बोल रहा है, इन बोलिया बोला डट भी दो नुए बोलिया रहा है काका तो दो मिनट मान दे जी तलवार ले दे हमला मेरा पतो गद्दा कर वो तो मेरा डंडा हाथ में नहीं आ तो जी तुम्हारा और जी। नहीं, आप आटा पीसना दे के गए थे और वहाँ वापसी जब मांगा तो तलवारों से हमला करा। हाँ जी, हाँ जी, कोई और कारण तो नहीं है ना जी? और कोई कारण नहीं था जी, घर पे आके मारे उनके काम बना रखा उन्होंने, पिसाई का काम उनका घर तो बहुत दूर है जी गाँव। अच्छा जी। हाँ, तो वहीं पे हमला कर दिया था ना जी, घर आके कर यहाँ घर आके यहाँ घर आके पूछने लग गया जी, बोले दो मिनट डट मसून ने दू तेने अंदर वो तो तलवार लेंदे जी आड़ गदाएगा तो मंड गया जी। नुन ये बालक थे बिचड़ गई बच्चिया मेरी बेबी और भी, और मन डंडा पड़िया था उठाया गया उठेगा जी उठेगा फिर तेरा मेरा भर गया जी छटुआ दिया जी पड़ गया गेर लिया था जी मधो मर मार गन फिर ठागन उसकी तो नुन ले गए जी माँ अपने अड़े गेर दिया जी। फिर एम्बुलेंस वाले तो आए नहीं, वहाँ आए थे जी पीसीआर वाले, वो मन मैम ले गए उठा के वहाँ दाखिल करके ने वहाँ मैं रोहतक भेज दिया जी। रोहतक तो जी कोई तो सुनाई नहीं हो रही, 3 दिन हो लिया जी। आ गई बाप देखो जी के सुनाई करोगे हमारी गरीब आदमी में आगे जी। कहाँ कहाँ चोट आई है? सर में जी चोट जी। अच्छा। हाँ जी, पेट पे जी, हाथ पे जी। सर में कितने कितने टाके लगे हैं? सर में जी 4 एक जगह जी, 5 एक जगह जी। यार बोरे कौन थे जी, दवाई ला रखी जरा थोड़ी लग रही थी। हाँ, तो आपने कोई दारू दुरू नहीं भी रखी थी? ना जी, दारू दुरू का कोई वो नहीं था जी। अच्छा। हाँ, मारा तो पीड़ी वाले आओ थे छोटा भाई का, नहीं हम तो गहने बाध्या में पड़ रहे थे अपने, वो तो बस आंदे ये बात कही थी मैंने चाचा आटा सही था भाई साटा पर बदलियो, बोला डट 2 मिनट में दिया आटा तरह थे। बिना बात तो वो क्यों हमला करेगा, पिसाएगा तो उसका काम, फिर तो रात दिन वो झगड़ा ही करने में रह जाएगा फिर। देख लो जी, ये बात थी अपनी तो, कोई पुरानी दुश्मनी कोई और कारण ना जी, कोई मैं बातें नहीं थी सारी हारता जी। क्या नाम है? मेरा नाम अशोक जी, सारी बार यहाँ आ रहे हैं माले, तकरीबन सुबह आता है शाम तक रहता है यहाँ पर, ठीक है, और फिर यही हमला करता है, यही मुर्गे सूर खाता है, ठीक है, और हमने न्याय चाहिए, ठीक है, हमने खतरा है, ठीक है। आपके समाज से क्या? क्या जी, मेरा भाई है जी, नहीं, ये नहीं, नहीं वो जाट है जी। अच्छा। हम एस सी कास्ट से वाल्मीकि जी। अच्छा। यस सर। आप लोगों के बीच ही बैठता है? यही बैठता जी, ये करोगे ये करोगे ये करोगे जी, गढ़ बना रखा जी। अच्छा। अरे क्यों बैठने देते हो? ये इनकी भी गलती है जी, हमारे हमारे समाज की भी गलती है, ठीक है, पहले उनको बैठाते हैं फिर इन पे हमला करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों बैठाते, गलती इनकी भी है, लेकिन उस एक अकेले उसकी नहीं है, गलती इनकी भी है। अगर मुर्गे दारू यहाँ खाएगा तो अत्याचार किस पे करेगा? इन्हीं पे करेगा, क्यों बैठाते हैं? कोई दुकान वगैरह कर रखे हैं? नहीं नहीं, कुछ दुकान एक ये कर रहा है, एक ये रहा है, एक ये रहा, एक और रहा, 5 घर तो ऐसे है जो गड्ढ बना रखे हैं, ठीक है, ये यानी कि ठैया इनका। अच्छा। यहाँ बैठते हैं अत्याचारी, इधर ही करते और कहाँ जाएंगे, अंदर नहीं करते और बाहर नहीं करते, इधर ही कैसे करते? तो आपको लगता है जो कारण ये भाई साहब बता रहे हैं कि आटा पिसाई के लिए दे गए थे और उसी के छुट्टी बता, मुझे कुछ मालूम नहीं, जो बता रही है सच्ची बता रहे होंगे, ठीक है, जो आसपास के हैं उनको पता है कैसे क्या हुआ, ठीक है, ये हमारी चाची है, हमारे सारा परिवार हमारा ही है, लेकिन हमारे साथ अन्याय हुआ, हमें न्याय चाहिए। कौन सी है चाची? ठीक है। हाँ जी, इसकी माँ हूँ जी। हाँ।
मेरा बेटा मैं बीमार पड़ी हूँ और एकदम बाज के आया हो, वो तो सीधी तलवार का वार फेर करया, उसने नाड़ तारण का करया जी, और हमारा माँ बेटी तड़प तड़प के रो रो के मर गए जी, कोई नहीं उरो आस पास में थे, जितने खड़े खड़े देखे गए जी, कोई नहीं आया, मेरा उन्नत हुआ है न्यारे न्यारे कर दिए, और अरे कोई भी नहीं आया, बीच में नहीं बढ़िया कोई भी, मेरा बेटा मार के घेर दिया, तलवार आ गलो मारिया जी, मेरा बेटा जमन उपना पनी मचा दी, मेरा लड़का नाड़ लाठी पड़ी थी, लाठी ठह गई उस पर, नू आध घंटा नू उठे गया उठे गया उठे गया, इतना मैं बाज लीज के बीमार उठ के चली, इतनी बार में तो बाज लिए पकड़ लिए जी, यू हमला चेड़ा जी मारो पर अंधे करया जी ने जानता मान के। इस भाई से मैं बात कर रहा था, ये बोल रहा आप अपने ही घरों में बिठाते उसको? नहीं जी हम नहीं बिठाते, यहाँ पर बिठाते हैं, एक यू घर रहा एक वो घर रहा एक आगे सी है जी, तीन चार घर हम बिठाते जी, हम नहीं बिठाते किसी को, हाँ हम नहीं बिठा रहे, मारे गला तो यू नुए हमला चिड़िया के, इसने नू भी कह दी होगी थोड़ी घनी भाई, यू नहीं बैठना सी यार है, अब तेरे के खाज है हम बैठांगे, हंगा दिखा के उसने, ये भी बात हुई है। तो फिर कहीं ना कहीं मामला सरेआम दारू बिकती है, इस पर कुछ ना कुछ होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, ठीक है, हम प्रशासन से दरखास्त करते हैं कि एक बार एक दो बार रेड मारनी चाहिए पुलिस की, ठीक है, हमारे साथ तो पहले कंप्लेंट करी है उसकी दारू के बारे में, कंप्लेंट तो नहीं करी, सरपंच को कह चुके हैं लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमसे प्रशासन से दरखास्त करते हैं कि कुछ ना कुछ न्याय हो, लेकिन नहीं तो यहाँ कुछ भी हादसा हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है, अब तो वार वार हत्या भी हो सकती है, बहुत घातक हमला हो सकता है। आपकी माता जी बोल रही है कि यहाँ बैठने बूटने से मना किया था क्या आपने? बैठने से भी मना कही थी जी, मरताऊ ने भी कही थी, बोले भाई इन मतलब ये आवा तड़के सांझ इनका के काम हाड़ है, सुबह तो शांत तैयारे बैठे रहो, हम भी कहो महले हम भी कहोगे ताऊ जी, जब तो प्यार तक ही थी, और इस मत को कहने की बात नहीं थी, मैंने तो आटा की जरूर कही थी, मगर चाचा नूर नू बात है, वो तो बस एकदम लाल पीला होता है, भले आटा मैं ही दे दूँ तेना दो मिनट अट जा, मैं तो घरते भी नहीं आया, घर तल आया को स्कूटी में घाल रहा था तलवार, मैं तो आड़ बढ़िया इतना तो गदने ही मारी मर दे एकदम, मैं भाजिया भी तराड़े सी लाठी पड़ी थी छोटी ही, मैंने वो अठा कर नोटेगा मोटेगा इन बड़का नटाएगा, मैं तो जमा जी पच्छा तो टोलड़ा आई आटा पाया ना पड़िया पड़िया ने भी उठती है, फिर दो जमींदार आए हूँ ना छटू आया हूँ जी, ना तो जमा मैं तो मारन खतर आ रहा था जमा। अच्छा जिसके मकान में बैठते हैं वो नहीं मना करते उनको? उन्होंने जी पहले तो नहीं किया था, एक दो दिन तक तो मना कर रखी है जी, जब चोट लाग ली ना मेरे एक दो दिन से नहीं आ रही, पहले तो यहाँ बैठे रह दे सुबह आते शाम न जाते, हमको इस बात का कोई न्याय चाहिए, कल न तो आज तो ये तलवार मार गया जी, कल न गोली भी मार जाएगा जी, हमने पूरा अब इतने सारे लोग इकट्ठे हो पूरी पूरी गली इकट्ठी हो रखी है, उस टाइम पे यहाँ कोई नहीं था कौन जी, कम धंधा का टाइम था, कम धंधा बजा रहे थे, कौन कर रहा था बता, कौन जा रहा था, सब कम धंधा बजाए रहे, इब ना खावांगे ना काम करांगे तो खावांगे के जी, तो इस बात के बारे में हमने खुद सोचे थे, गरीब मानस कम धंधा बजा रहे थे, एक लाकर का मारा है तो जी, गरीब मानस हम तो कोई नहीं थे मारे तो एक था, ये तो मारेंगे भी ये तो तलवारा का बीच में कौन बढ़ागा जी, कोई कौन बढ़ता, आपका मकान कहाँ है? आप मेरा तो मकान नू ना जी, आपका कहाँ है? मेरा तो रे है जी, ये हम तो बस साढ़े चाण चक नुए खड़े थे, मेरी बेबे खड़ी थी, मैं खड़ी थी, मेरी बहन खड़ी थी, एकदम उसने तांदे तलवार चलाए थे जी, हम तलवार में कुकर बड़ा, अब उस टाइम यही थे जब तलवार? हाँ उरे थे जी हमें, अच्छा जी, तलवार उसने चलाई ना जैसे, हम तो बाकन लेके एक पास हो गए, यू अपने लाठी पे डटे गया तलवार ने, ये तो पहले से तो कोई दुश्मनी नहीं, कोई झगड़ा नहीं जी, कोई लड़ाई ना कुछ झगड़ा नहीं, दिला दो हमने तो ना चाहिए है, चाहे क्यों करे भी दिवाओ जी, हम गरीब मानस आज यो मारे तड़का नोट किसे ना मारेंगे, हमने ना चाहिए है बस, और हमने कुछ नहीं चंदा, ठीक है ना, एक या खड़ी थी जी और मैं खड़ी थी, मेरी बेबी थी बस, हमें आड़े ही खड़े, हाँ एक या खड़ी थी, आप भी यहीं थे जी? हाँ जी मैं आड़े थी, अकेला ही आया था भाई वो? अकेला ही था जी। अच्छा जी, हाँ इनकी थोड़ी सी ओड़ हो रही थी जी बोल चाल, अच्छा हाँ इस आटे बदल, अच्छा जी इस बदल हो रही थी, तो उन्होंने बोला दो मिनट में मैं यू आया, फिर वो आया तलवार लेकर, मैं आड़े खड़ी थी बाहर, ये छोरा आड़े खड़ा था पीछे जी, वो तो मैं आया लिया बार ना, मैं मना और कुछ नहीं जी, मेरी तो किलकी लिकड़ी रोन लग गई, मैंने उन बाजरी मकाई तो तलवार मारेगा तलवार मारेगा, फिर छोरे नाड़े तो डंडी ठाई है इस पर उठी है जी इसने, वो कहाँ गया भाई, वो उनको तो फोन आ रहा, फिर जी बस और तो फिर तो उसने मारे दिया इसका, मैं तो जी हूँ घबराएगी इसमें देख कर, कल भी वो यहाँ से तलवार ले रहा था जी,
ये भी मेडिकल में भी जी नौकरा था जी, वो मन बहुत खतरा है जी, मन डर है जी, घना डर है जी। उसको भी छोटा चोट साटा ही है क्या? ना जी, उसका कोई चोट नहीं थी, उसको नहीं फूलती भी थी जी, वो तो अपना ब्लेड मारिया के मारिया जी, वो तो फिर गया जी। मेरे तो उड़ मैं बेड पर था जी, जब भी नौकरा था मेडिकल में भी जी, रात न 2 बजे जा रहे थे, 2 आदमी थे जी, रात न भी नौकरा था जी, मैं बेड उस पर लौटा रखा था जी, जो होती है वो। कितने दिन हो गए इस झगड़े को? ये परसों ही बात है जी, आज 3 दिन हो लिया जी, कोई सुनाई नहीं हो रही मारी जी, टीवी ना पुलो सारी जी, और आड़े घंटे जी स्कूटी नून तनून लेकर न जी, मारी कोई सुनाई करवाओ जी, हम तो इसलिए जी। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम आपका? विजय। यहीं रहते हो? हाँ यहीं रहता हूँ जी। क्या मामला था? मामला था जी, इनका आपस में चून चान बाबत लड़ाई हुई थी, उन्हें हमला कर दिया था, फिर कल रात में फोन भी आए थे, उन्हें रिकॉर्डिंग तो मैं कर नहीं पाया, बोले तू भी चले जाए, कोई वो काटिया, बोले तेरा नंबर आओ भाई। बाग आपके पास किस लिए फोन आया था? जी किसी ने कुछ बोला था आपने? ना मन तो कुछ नहीं बोले, मन तो कुछ नहीं बोले जी, फोन आया था, धमकी दिया, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं है, रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया जी। वैसे नंबर है मेरे दोनों का। क्या लगते हैं? ये मेरी बुआ का लड़का है। अच्छा जी, और क्या चाहते हो अब, क्या होना चाहिए? हम तो न्याय चाहवा है, हिसाब मिल जाए। तो दोस्तों, फरवाना गांव के अंदर हम मौजूद थे, आपने देखा, भाई का कहना है कि यहाँ पे जो है तलवारों से हमला किया गया है, और पड़ोसी जो उस समय जो है प्रत्यक्षदर्शी थे, जिन्होंने ये पूरा के पूरे जो वारदात देखी, उनका भी यही कहना है कि तलवारों से हमला किया गया था, मुश्किल से किसी तरीके से जो इस भाई ने जो अपनी जान बचाई है। पुलिस प्रशासन की इनकी गुहार है कि जल्द से जल्द जो है इस मामले में इनको न्याय मिले, ताकि आगे से जो है इस तरीके की घटना ना हो, और जो ये मामला है वो यहीं पे थम जाए और बड़ी वारदात का जो है रूप ना ले। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।